हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद पिजन। ये बेबी पिजन की पार्ट 3 की वीडियो ट्रेनिंग की वो देख रहे हैं। बेबी पिजन मेरे उड़ रहे हैं आसमान में, ये देखें। अब इनको मैं सुबह 10 बजे खोल के तो इनको डराता हूँ हल्का सा डंडे से, जाल में नीचे से कबूतर खुले होते हैं। तो ये देख लें, ये गिड़े डल गए हुए, अब ये अपनी खुशी से उड़ रहे हैं। अंदर से अभी ये बंधे हुए हैं, ये पूरे खुले नहीं हुए। वो जा रहा है एक बेबी, ये देखें ये आ रहा है। पता नहीं इसमें ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे सही तरीके से। हाँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आते हैं कि नहीं। ये एक आ रहा है, ये साथ में एक बड़ा कबूतर जो है हमने खोल के छोड़ा हुआ ऊपर किसी के और का आया, वो जा रहा है। एक बेबी ये उड़ रहा है। तो इस तरीके से ये उड़ते हैं, ये देखें। एक कबूतर जो है मेरे, ये उड़े हैं। ये एक आ रहा है बेबी, ये जा रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपने बेबी को जो है ट्रेन करें। वो एक सामने जाल की तरफ जा रहा है, वो उसके ऊपर वो देखें, वो बैठ गया जाके। तो अभी ये थोड़ी देर में वहाँ से उड़ के आएगा घर को। इस तरीके से आप भी अपने बेबीज को ट्रेन करें। अभी जिस तरह ही आगे ये सारे बैठते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये किस तरह से आते हैं। इंजॉय करें आप अभी थोड़ा सा इनका प्रवास को, क्योंकि हमारे इस इलाके में बेबी पक्का करना जो है इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने कबूतर रखे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी मुश्किल से कबूतर पक्का होता है। तो आप दोस्तों के साथ मैं ये शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए। अब ये किसी का कबूतर आया हुआ है, ये जो है बच्चों के साथ जो है किसी का कबूतर मिलके आ गया हो। ये देखिए, ये बेबी एक आके बैठ गया, ये बैठा नहीं, बैठते बैठते निकल गया। ये अब ये किसी का कबूतर आया हुआ साथ में, ये बैठ रहा, ये देखिए। तो इस तरीके से आप भी अपने बेबी को पक्का करें। ये दो बैठ गए, तीन बैठ गए हैं। तो वो एक वो ऊपर लग गए, वो पता नहीं है वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा सही तरीके से, क्योंकि सूरज पड़ रहा तो मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह ये नीचे आके बैठता है तो मैं आप सब दोस्तों को दिखाता हूँ ये बेबी किस तरह बैठता है। उतनी देर मैं पुश करता हूँ, जब ये नीचे आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ जी दोस्तों। तो ये आ गया ये बच्चा, ये देखें ये बैठ रहा है, ये बैठ गया। तो इस तरीके से आप भी अपने बच्चों को जो ट्रेन करें, उनको डराना शुरू कर दें थोड़े दिनों बाद, ताकि वो उनका कोई डर निकलेगा तो वो उड़ के आके घर बैठेंगे। बच्चे ज़ाया भी होते हैं थोड़े से, वो कोई मसला नहीं है। जिन दोस्तों की छतें खुले इलाकों में उनके बच्चे नहीं ज़ाया होते, जिनकी हम इतना शहर के अंदर छतियाँ तो यहाँ पे कबूतर थोड़े से ज़ाया हो जाते हैं, पर ये कोई मसला नहीं है। आप अच्छे कबूतर रखें तो वो आपको रिजल्ट देते ही देते हैं, वो अलग ही जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।